Hey guys, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो गाइस अभी मैं आया हूँ छत पे और यहाँ पे जो अपना ये दड़वा है भाई इसकी चराई करूँगा क्योंकि यहाँ पे आज हो जाएगा फाइनली पलस्तर। तो अभी मैं यहाँ पे पानी छिड़कने आया हूँ और मौसम आज हो रखा है एक नंबर। तो अभी यहाँ पे चराई करेंगे दीवारों की। चराई करने के बाद ये देखो भाई चराई हो गई। आज इसकी हो जाएगा प्लास्टर। आज मौसम हो रखा है एक नंबर का। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज भाई धूप नहीं है बिल्कुल भी। सुबह से बढ़िया मौसम हो रहा हवा चल रही है लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हवा हो गई है बंद हवा चल रही है। देखो भाई ये सारी इसमें आज प्लास्टर करेंगे देखते हैं कितना कर पाएंगे कितना नहीं। हूँ कि ये आज पूरा कर दें बट देखते हैं भाई करेंगे या नहीं पता नहीं कुछ भी उनका। इन्होंने भाई काम रोक रखा हमारा बहुत गंदी तरीके से काम नहीं कर रहे अच्छी तरह। दिखाता हूँ आपको जो मैंने अंदर करा था ये कल मैंने उसमें कर दिया था कि मैं सोचा ये तो करेंगे नहीं चलो मैं ही कर देता हूँ। तो मैंने कल यहाँ पर प्लास्टर करा था तो अभी मैं पानी मार देता हूँ वहाँ पे तो आप ही कर देंगे अपने। जैसे कि आज अगर प्लास्टर हो गया तो कल अपने कबूतर इसके अंदर बंद कर देंगे और यहाँ पे गेट भी लगाएंगे इस वाले में। तो आप ब्लॉग देखते रहना और चैनल कर लो सब्सक्राइब आपको सारी चीज कंटिन्यू ब्लॉग में मिलती रहेगी हमारे इस चैनल पर। इसमें परंत कबूतर बंद कर देंगे या फिर कैच वाले उसके अंदर परंत कर देंगे या कैच तो पता चलेगा बाद में ही जब यहाँ पे सेटल करेंगे कबूतरों का जब यहाँ कबूतरों को रखेंगे जब ही पता चलेगा। यहाँ पे पानी रुक गया है क्योंकि ये यहाँ पे कूड़ा पड़ा है तो इस वजह से यहाँ पानी रुक गया है आ नहीं रहा। तो बाकी मैं इस छत की तराई कर देता हूँ यहाँ की कर देते हैं। तो आप ब्लॉग देखते रहिए स्किप मत करना कंटिन्यू बनाए बने रहना ब्लॉग में और भाई मैं पानी छिड़कता हूँ तो देखते रहो आप भी। जो ये देखो यहाँ से पानी आना चालू हो गया है। यहाँ पे अभी पाइप ही नहीं दिया नीचे पानी जाने के लिए। यहाँ सभीओं के पास आएगा पाइप जिससे कि पानी नीचे जाएगा। अभी पाइप लगा रहे हैं नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी करवा देते हैं इसको बंद मोटर। देखो यहाँ पे प्लास्टर हो गया ये डिजाइन बन गया यहाँ पे गोला और ये देखो इतना प्लास्टर कर दिया। अभी यहाँ पे रहता है यहाँ पे पाइप आएगा अभी ऊपर से जो मैं अभी बता रहा था पाइप दिया नहीं है वो यहाँ से ऐसे नीचे आएगा इसमें जाएगा फिर तो यहाँ पे पाइप लगने के बाद हो जाएगा प्लास्टर। और देखो यहाँ पे हो गया ये देखो यहाँ पे भी हो गया ये देखो हो गया यार ठीक है। अभी अंदर भी हो गया कंप्लीट पूरा ये देखो। अभी मैं चलता हूँ नीचे दिखाता हूँ आपको अपने कबूतर। यहाँ पे हो रखा है वो पूरा जो जीने में मलबा पड़ा था यहाँ पे डाल दिया सारा पाइप पड़ा यहाँ पे ये डालेंगे यहाँ छेद कर दिया।
बहुत बुरा लग रहा है मुझे कबूतर के लिए कि यार उसकी डेथ हो गई, बहुत दिमाग खराब हो जा रहा है। लेकिन खाता हूँ आपको अंदर कबूतर, अंदर बैठे हुए हैं आराम से सारे। ये देखो भाई पंखे पे बैठ जाते हैं अपने मजे से। अब इनको झुलाऊंगा मैं झूला, तो देखना कैसे झूला झूलेंगे। इसको ऑन कर दूंगा एकदम से और बंद कर दूंगा। लो भाई झूला झूल रहे हैं भाई आराम से, देख रहे हो। फिर से झुलाता हूँ, ये लो झूलो भाई झूला झूलो। अरे इसकी थोड़ी कंडीशन कैसी हो रही है, मरेगा क्या ये? चटक देख रहे हो इसमें। तो देखते हैं गाइस, कल मेरे को लग रहा है आठ प्लस्तर हो जाएगा ऊपर, तो कल अपने अपने कबूतर शिफ्ट कर देंगे छत पे, है ना। सफेदी जब होगी देखी जाएगी, वो तो कबूतर को बाहर निकाल के भी कर सकते हैं। आपको दिखाऊंगा जब प्लस्तर होगा ना, जब दिखाऊंगा तो अभी कंटिन्यू रहो वीडियो में, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद जब प्लस्तर होना चालू रहेगा ऊपर, तब मिलते हैं आप। प्लस्तर हो गया तो भाई वो अभी होने लग रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। बनावा ना बना दिया, पानी गिर गया तुम्हारा। वो देखो आप उतर लग रहा है। अभी यहाँ पे प्लस्तर हो गया था, यहाँ पे होने लग रहा था, तो भाई इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया, ठीक है। अब कल होएगा बाहर से यहाँ पे पूरे में, मतलब यहाँ से बाहर से कल हो जाएगा पूरे में, यहाँ पे सामने हो जाएगा। तो इंतज़ार है कल का, और बाकी मैं आज तो भाई थोड़ा गीला है, तो अभी इसके अंदर छोड़ूंगा नहीं कबूतरों को। अभी हम सोच रहे हैं कि इसका गेट लगा दें इस वाले का, तो इसका गेट लग जाएगा तो मतलब ये रहेगा कि हाँ पूरा प्रॉपर ये तैयार हो चुका है। तो कल यहाँ पर प्लस्तर हो जाएगा और गेट भी आज होए, देखते हैं अभी लगा दें नहीं तो कल लगा देंगे गेट भी, और कल इसके अंदर कबूतर कर देंगे बंद, क्योंकि बाहर का होगा कल। बाहर तो हमें कोई कुछ करना नहीं है, अंदर रखने कबूतर, तो अंदर हम अपने कबूतर पैक कर देंगे, अंदर छोड़ देंगे कैच वाले जितने भी हैं, मतलब पुराने नए सब, मतलब जो पुराने अपने कबूतर थे जो आप हमारे वहाँ पर उड़ते थे उस छत पर, पुरानी वाली छत पर, तो भाई उनके तो कैच मारनी पड़ेगी क्योंकि वो हिले हुए नहीं है यहाँ पे, उनको कैच मार के उड़ाना पड़ेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल कर लो सब्सक्राइब। कल देखते हैं भाई क्या होगा, कल अपने कबूतर लेके आएंगे और यहाँ पे सारे रख देंगे, तो कल का ब्लॉग मिस मत करना, कल के लिए भाई रेडी रहो। और कल देखेंगे अपने सारे कबूतर ऊपर आएंगे और रहेंगे इसके अंदर। तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ क्या क्या करूँ इस नए वाले लॉफ्ट में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, अलविदा।